सीटेड पेपर टू स्ट्रेटजी। तो समझते हैं कहानी है क्या। तो अगर हम पैटर्न की बात करें एग्जाम के, तो जैसा कि अभी हमने बात की, पेपर वन पेपर टू दोनों ही 150 नंबर का आपका एक पेपर 150 नंबर का आता है, जिसमें तीन सब्जेक्ट कॉमन है। यानी आप अगर पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको वही तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और पेपर टू भी कर रहे हैं तब भी सेम तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बस एक सब्जेक्ट डिफरेंट पढ़ेंगे आप यदि पेपर टू के लिए जा रहे हैं। क्योंकि पेपर टू में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 4 और पेपर वन में है 5, ठीक है ना। और इन 4 में से 3 जो है वो पेपर वन पेपर टू दोनों में कॉमन है, यानी 90 नंबर की तैयारी आपकी हो जाती है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार में। यानी CDP कॉमन है 30 नंबर की, जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जिसको हम कह रहे हैं। लैंग्वेज वन यानी आपने हिंदी या इंग्लिश ली होगी, लैंग्वेज टू जो भी आपने ली है, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने यहाँ पे भी सेम ही लैंग्वेज ली होगी। लेवल में ज्यादा अंतर कुछ खास देखने को नहीं मिलता, सिलेबस सेम है, बशर्ते आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप पेपर वन का क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेपर टू का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी पेपर वन का कल परसों क्वेश्चन सॉल्व कराया था, पेपर टू भी मैं जल्दी ही कराऊंगी, आपको पता लग जाएगा, जिसकी तैयारी अच्छी है उसको समझ में आएगा। ईवीएस और मैथ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 30 मार्क्स के हैं, ये दोनों सब्जेक्ट मिला करके यानी एक सब्जेक्ट बन जाता है पेपर टू में। SST आएगा या तो 60 नंबर का या साइंस और मैथ्स आएगा, वो आपके ग्रेजुएशन पर डिपेंड करेगा। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब ये जो CDP लैंग्वेज हैं दोनों, पहले इनकी बात कर लेते हैं कि 90 नंबर की तैयारी कैसे करें। देखिए बाल विकास सिंपल, इस पे मेरी बुक भी आती है, नोट्स भी फ्री आपको दिए हुए हैं, YouTube से भी सिर्फ आप सर्च करके पढ़ लेंगे तो 30 में से 30 नंबर ले आएंगे। अगर आपको लगता है आपका बिल्कुल हाथ पकड़ के चला जाए बैच में, तो आप बैच में एनरोल हो जाइए। तो जो भी नए तरीके से, जो भी नए क्वेश्चन हैं चैप्टर के साथ, जो भी किया जा सकता है सब कराया जाएगा। YouTube पर भी जितना हो सकेंगी चीज़ें, चाहे वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो या जो भी, अगर नए टॉपिक्स को कराना हो, पुराने टॉपिक तो चलो आप YouTube से प्रीवियसली भी देख लेंगे, तो वो सब भी कराने की कोशिश पूरी रहेगी। तो CDP आपका सिंपली, आपको कुछ नहीं सोचना है इसमें, आप पढ़ेंगे साथ में मिल करके, ठीक है ना, लेट्स लर्न के। EVS की अगर हम बात कर रहे हैं, ये नोट्स में हालांकि सारे दिए हुए हैं, EVS में जो NCERT के नोट्स होते हैं 3rd, 4th, 5th के, वो आपको दिए हुए हैं। या तो आप NCERT की बुक खरीद के ले आइए 3rd, 4th, 5th की EVS के लिए, आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए, या फिर आप सिंपली NCERT की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको NCERT की समरी दी हुई है नोट्स में, जो फ्री नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये पढ़ सकते हो। प्लस प्रीवियस ईयर जरूर करना है इन चीजों के साथ। मैथ्स में इसी NCERT से आपकी 15 नंबर की पैडागॉजी भी कवर हो जाएगी, और आपका ये वाला जो 15 नंबर का कंटेंट है वो भी। मैथ्स आपका अगेन 15 नंबर का है, बेसिक मैथ आता है प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, या टीचर के साथ आप अच्छे से टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, और 15 नंबर की है पैडागॉजी। इसके क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, सिलेबस डिफाइंड है, 7-8 टॉपिक है मुश्किल से, ठीक है ना। तो इसलिए भी आपको नोट्स दिए हुए हैं, या फिर आप बैच में पढ़ रहे होंगे। लैंग्वेज वन की अगर मैं बात करूं, तो लैंग्वेज वन में अगेन, या चाहे हिंदी है इंग्लिश है, इस बार क्या कहूँ, जब से इन्होंने ऑनलाइन किया है पेपर, तब से थोड़ा सा चेंज आया है उसको, उसकी मतलब मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं आपका YouTube पर मैराथन सेशंस के थ्रू या जिस भी तरह से पॉसिबल होगा मैं आपको कराऊंगी ये चीज़। लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू हिंदी इंग्लिश पेडागॉजी दोनों आप टेंशन फ्री होकर के छोड़ सकते हैं मेरे ऊपर। CDP ऑलरेडी आप छोड़ चुके हैं, है ना, तो उसकी टेंशन आपको नहीं है। SST और साइंस और मैथ्स की अगर हम बात करें, तो ये क्लासेस इसकी बैचेस में होती है, मैं इसका सेशन नहीं लेती हूँ, बहुत बड़ा सिलेबस है। और 6th to 8th आपको 6th, 7th और 8th की NCERT पढ़नी होती है। आज तक शायद ही आपको कोई व्यक्ति मिलेगा जो ये कहे मैंने CTET क्रैक किया है और 6th, 7th, 8th की NCERT SST या साइंस के लिए नहीं पढ़ी है। SST के लिए तो मस्ट ही है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी तीनों चीज़ें कॉमन है।